तो हर हर महादेव जी। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो ये ब्लॉग मैं कर रहा हूँ शाम को शुरू। अगर आपको मैं टाइम बताऊँ तो टाइम आप चेक कर लो, 6:30 होने वाले हैं। और मेरा रीज़न क्या है ब्लॉग बनाने का वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि लाइट नहीं है। सीधा मैं आपको दिखाता हूँ क्यों लाइट गई है। तो चलते हैं बाहर को। और ये देखो, ये बैठा है। क्यों बैठा है ये आप चेक करो, मौसम चेक करो आप। मैं आपको यहाँ मौसम चेक करा रहा हूँ, ये मुझे चेक कर रहा है, देखो स्मेल करके, क्योंकि अभी मैं बाहर से आया हूँ ना, तो ये मुझे पूरा स्मेल करेगा। ये देखो स्मेल करेगा, फिर कहेगा पार करो। ऐसे करूँ। हाँ गब्बू, मज़ा आ रहा है? आ रहा है मज़ा? दो, ये मैं ले लूँ। चलो खेल। तो यहाँ अंधेरे में चल रहा है, क्या बना रहा है? कटहल। तो पहले ट्राई करते हैं इसको, बता दे कैसे बनते हैं जिनको नहीं पता। मेरे को खुद नहीं आता, मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। पहले इसको छोटे पीसेस में काटते हैं, फिर तेल में डाल के उसको फ्राई करेंगे, फिर नॉर्मल प्याज टमाटर का तड़का लगा के और उसमें कटहल डालेंगे और उसको जब तक अच्छे से पक जाएगा ढक देंगे, बस बन के तैयार है। बाकी मैं भी बनाना सीख रही हूँ। लाइट तो जला रहे थे बस। लाइट है क्योंकि लाइट है ही नहीं, जैसे आपको भी बताया कि मौसम ख़राब होने की वजह से लाइट बंद कर दी है मेन, मतलब जहाँ से भी सप्लाई होती है। तो हमने इसको वॉश करके सीधा तेल गरम करके इसको फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने के बाद इसको सिंपल तड़का लगा देंगे, वो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा जब भी ये करेंगे ना। ये कर लें पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, बारिश आनी शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश आनी शुरू होगी। दिखाओ, ऐसा कुछ बूंदे पड़ रही हैं अभी। ठीक है थोड़ी, पर गर्मी भी उतनी ज़्यादा ही हो जाएगी और मच्छर भी। तो अभी बारिश शुरू हो गया। ओए मैं, आप कहाँ घूम रहे हो बारिश में? हाँ कहाँ घूम रहे हो? अंदर लेके चलो इसको जल्दी, अंदर डूडू, अंदर 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 अंदर, चलो 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 चलो। बारिश आ गई ना इसलिए, बैठ जाओ, वो चिज्जी खाओ अपनी रखी हुई है आपने कब से, अपनी कैल्शियम बोन खाओ उसको, बैठ जाओ। टाइम अगर 7:30 हो गया फ्रेंड्स, तो अब आई है लाइट, तो काम कर लेते हैं जो जो रुके हुए हैं। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है फ्रेंड्स। चार्ज वगैरह लगा लें, बैटरी बिल्कुल ही लो पड़ी है सबकी, सब फोनों की मतलब बैटरी लो पड़ी है। तो मिलता हूँ मैं आपको जल्दी से। तो बस फ्रेंड्स, अब टाइम अगर आपको बताऊँ तो 9 बज गए हैं। 9 बजे बस वाइफ खाना बना रहे हैं और मैंने मतलब फैमिली को सर्व कर दिया, वो खा रहे हैं। गब्बर की भी मैंने पेडिग्री डाल दी यार, आप देख रहे हो मेरे सर पे क्या है। तो ये सर पे ना यार मेरा बैंड गुम हो गया, तो अभी मैंने फ़िलहाल अपनी बहन का बैंड लगा लिया है, क्योंकि बाल आपको पता ही है ग्रोथ बड़ी हो चुकी है। तो आपको मैंने कटहल की सब्ज़ी दिखानी थी, तो मैं आपको कटहल की पहले सब्ज़ी दिखाता हूँ। चलो
तो दिखाता हूँ मैं आपको कटहल की सब्जी। यहाँ पे तो ऐसी कुछ बनी है कटहल की सब्जी, फ्लैश लगा दिखाता हूँ। तो आज खाने में ये बनी है, साथ में रोटी है, चटनी है, दूध है। और जिसने भी खाने हो तो आ सकते हो आप खाने। और आपको दिखाऊँ तो मेरी गब्बर की पेडिग्री ठंडी होने रखी हुई है, वहाँ पे सब की खाना खा रहे हैं। ये गब्बर बैठा है चिप्स खाने। फ्रेंड्स कमेंट में बताना क्या आपके डॉग भी ऐसे ही खाना खाते हैं क्या, घेर के नीचे जैसे हमारे वाला खाता है। इसको तो पता नहीं क्या अच्छा लगता है, ऐसे घेर के फिर खाता है। देख लो, फिर घूमेगा थोड़ा सा, देखो ऐसे घूमेगा, फिर आएगा, फिर खाएगा। तो कमेंट में बताना प्लीज़ ज़रूर से क्या आपका डॉग भी ऐसे ही खाना खाता है क्या जैसे हमारे वाला। देखो मस्ती करता करता, पर अच्छी बात है मस्ती करते करते खाना तो खाता ही है। गुड बाय, ऐसे ना डुडू है ना, डुडू गुड बॉय है ना। चलो खा लो खा लो खा लो खा लो। द नेक्स्ट डे हर हर महादेव जी। तो हम गए थे खरड़ किसी काम से, तो अब घर जा रहे हैं वापस। तो वो व्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा, तो सोचा क्यों ना गोप्रो के साथ ही आपसे थोड़ी बातचीत कर ली जाए। तो आज है मदर डे, तो सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे। बाकी बस निकल चुके हैं हम खरड़ से, तो ISBT क्रॉस करा हमने वेर का, और ये हम यहाँ से जो 56 है उसके वहाँ से जाएंगे निकल के। और मतलब दुनिया पागल है, थोड़ा ना ध्यान से ही चलाना पड़ रहा है। जो आप मुझे इतनी सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। और अभी जो मैं और वाइफ ही आए हैं दोनों, वाइफ पे आ गए थे हम। और एक ये मैं आपको बता रहा था ना, बहुत बुरा हाल है यहाँ, थोड़ा ध्यान से ही चलना पड़ता है। और वैसे भी हम नॉर्मली चल रहे हैं क्योंकि पीछे वाइफ बैठी है ना, तो ध्यान से मैं नॉर्मली चल रहा हूँ, ज़्यादा मैं भगा नहीं रहा हूँ। अब हम पहुँच गए 55 40 41। अब हमने इस चौक से ना राइट होना है। कहीं जाने तो देखो इंडिकेटर देते ही नहीं है ना, तो उस वजह से बड़ी कंफ्यूजन होती है और कई बार बच जाते हैं लोग। तो चंडीगढ़ से मेरा अगर कोई भी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप कोशिश करा करो इंडिकेटर देने की। उससे क्या होगा, आप तो गाड़ी के अंदर बैठे हो, पर जो टू व्हीलर वाला है वो भी कम से कम बच जाएगा चोट खाने से, क्योंकि आपका पता ही नहीं चलता आप किस साइड को कब मुड़ जाओगे। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के सभी चंडीगढ़ वासियों से रिक्वेस्ट है कि आप ना एक बार इंडिकेटर दे दो, कुछ नहीं जाता यार।
हार्डली एक मिनट भी नहीं लगता इंडिकेटर मतलब यूज करने के लिए, उससे मतलब आप ये देखो फायदा कितना हो जाएगा। तो बहुत सी जगह हैं जहाँ पे ना लोग इंडिकेटर देते ही नहीं है, बस चले रहते हैं, और ये चीज सही नहीं है। ये देखो प्रिया, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, कमेंट में जरूर बताना आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। अब हम पहुंच गए हैं, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड 36 और राइट हैंड साइड 42, तो हम ये रोड जा रहे हैं अभी सीधा। संडे वाले दिन भी काफी ट्रैफिक है, और टाइम अगर बताऊं तो 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट है, तो ट्रैफिक बहुत है। चंडीगढ़ में भी ट्रैफिक बहुत होने लग गया है, बहुत। इसे वैसे कहते हैं अटावा चौक। पहुंच गए हैं 34 वाली रोड पे, मतलब इसको 34, 20, 21, 32 वाला चौक मान लो, उस पर हम पहुंच गए हैं। और यहाँ से करीबन बस 5 मिनट और, क्योंकि ट्रैफिक ही बहुत है आज। 62 सेकंड लेफ्ट, और मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ, बात ये करना चाहता हूँ कि अगर आप इस YouTube में आना चाहते हो तो आओ, पर मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि अपना जब तक आपको इस चीज़ से कोई इनकम नहीं आती ना,
तब तक आप कोई अपना साइड बाय साइड जॉब करते रहना। और मैं कहता हूँ हर कोई आओ यार, पर जॉब करते रहना, इसके साथ साथ डिपेंड मत रहना इसी के ऊपर कि यार मुझे इस मतलब मैं इससे कर लूँगा। जब तक नहीं आता ना तब तक आप इस चीज़ को मत छोड़ना, मैं आपको ट्रस्ट में मेरी बात मानना, एक छोटा भाई बड़ा भाई मान के। और शर्म नहीं करनी, अगर आप शर्म करोगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी तभी आप कुछ कर पाओगे अचीव। ठीक है जी। और ये मेरे जो लेफ्ट में है ये सारा अपना कंप्यूटर मार्केट है, डी सेक्टर। बस हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं अपने घर। ये हमारा सेक्टर 20 का गुरुद्वारा, जय सतनाम श्री वाहेगुरु। बाकी अब मैं आपको घर जाके मिलता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, गए घर पे, हम 8:15 के करीब पहुँच गए थे घर पे, तो बस अभी कपड़े वगैरह चेंज करके खाना खाने लगे हैं। तो प्लीज़ व्लॉग से जाने से पहले मैं आपको एक बात बोली थी, आप जिस स्टेट से या जिस सिटी से भी देख रहे हो हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताना। और चंडीगढ़ वालों, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंडिकेटर दे दिया करो यार, जिस साइड भी आप मुड़ते हो ना प्लीज़ इंडिकेटर दे देते हो। आज मेरे साथ ही बहुत बार बचते बचाऊँ मैं, तो हम किसी को अगर आज के टाइम में बोलते हैं ना तो वो लड़ने आता है, क्योंकि आज के टाइम में हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, बहुत गर्म माहौल चला हुआ है। तो प्लीज़ प्लीज़ अगर मेरे चंडीगढ़ में कोई वीडियो देख रहा है, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर आपके इस छोटे से काम से ना मतलब बहुत फ़ायदा हो सकता है। अभी कभी आप खुद 2-व्हीलर पर होंगे ना, और 4-व्हीलर आप वाला आपके आगे से ऐसे कुछ कर जाएगा ना, तो आपको फील होगा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ आज, क्योंकि यार एक अकेले होते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, जब फैमिली का कोई भी पर्सन पीछे बैठा होता है ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है हमारी। तो बाकी इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और जो भी चैनल पे नए हैं ना गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए सभी को मेरा दिल से हर हर महादेव।